हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स वेयर्स में फिर से आपका एक बार और स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। और पहली बार फिजिक्स वेयर्स पर मैं कुछ ऐसा शेयर कर रहा हूँ जो कि डेफिनेटली फिजिक्स से रिलेटेड है, लेकिन यह आप कह सकते हैं कंटेम्प्रेरी साइंस से रिलेटेड है। और एक घटना हुई थी कुछ सालों पहले, और उस घटना ने एक्चुअली पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया था, और उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो आप सभी को पता है कि जो स्पेस है उसके बारे में बहुत सारे लोग जो होते हैं वे जानना चाहते हैं, नई चीजें जानना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और इसी कड़ी में जो है स्पेस रेस स्टार्ट हुई थी, बेसिकली वह टेक्नोलॉजी के कारण हुई थी। इसके बारे में भी हम इस प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे पर देखेंगे। पर जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो रिलेटेड है मून लैंडिंग हॉक्स से रिलेटेड। अब ये होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो देखिए, क्या यह सच था कि अमेरिका ने जो अपोलो 11 एक्सपीडिशन, जो अपोलो 11 मिशन भेजा था मून पर, क्या वो वाकई में वहां पहुंचा था, या हमारे हमारे साथ सभी को इसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी अमेरिका के द्वारा? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस पर आप जब इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो कई चीजें आपको मिलेंगी। इसके बारे में अब हम आज जानेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए हमारे चैनल फिजिक्स वोयाज को, ताकि और भी फिजिक्स एंथुजियास्ट इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें और फिजिक्स को एंजॉय कर सकें। तो आइए कंटिन्यू करते हैं प्रेजेंटेशन के साथ। तो देखिए, आपको ये सब पता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, उसके बाद में रशिया और अमेरिका, यूएस के बीच में जो है कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कोल्ड वॉर जो था उसमें वो डायरेक्ट तो युद्ध नहीं करते थे, लेकिन ऐसी कुछ मिलिट्री स्ट्रेटजीज चलती रहती थी, ऐसे अलायंसेस बनते थे जिससे कि एक दूसरे को पछाड़ने के लिए, एक दूसरे को पीछे करने के लिए वे काम करते थे, है ना? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये चलता रहा कोल्ड वॉर, है ना? और इसके इसके दौरान जो है क्या हुआ कि लोग जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात करने लगे, है ना, कि कौन सी कंट्री टेक्नोलॉजी में ज्यादा एडवांस है। मिसाइल्स की बात होने लगी, न्यूक्लियर फिजिक्स की बात होने लगी, और भी बहुत सारी चीजें चलने लगी। ठीक है, तो ऐसे ही दौरान रॉकेट प्रपल्शन और इस पर चर्चा होने लगी, और फिर चालू चालू हुई एक और कह सकते हैं रेस, जिसको कहा जाता है स्पेस रेस, है ना? क्योंकि स्पेस में हम जितनी चीजें कर सकते थे, जहां हम जा सकते थे और जो एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकते थे, वो बेसिकली हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को क्या करता था, बताता था। और यही एक कारण था कि स्पेस रेस जो है स्टार्ट हुआ रशिया और अमेरिका के बीच में। तो स्पेस रेस जो स्टार्ट हुआ स्पेशली 1957 और 1975 के बीच में, ये तेजी से चला। स्टार्ट हुआ लॉन्च ऑफ स्पूटनिक 1 से, जो कि रशिया ने किया था, और एंडेड विद द ज्वाइंट अपोलो सोयज मिशन, है ना? एक ज्वाइंट मिशन हुआ जिससे कि वो एंड हो गया। क्यों ये जरूरी था? क्योंकि सीन एज नेसेसरी, सॉरी, सीन एज नेसेसरी फॉर नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज सिंबॉलिक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड आइडियोलॉजिकल सुपीरियरिटी। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया, स्पेस में अगर आप जा पा रहे हैं या चीजें पहुंचा पा रहे हैं या कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर पा रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा थोड़े समय पहले इंडिया ने, है ना, कुछ महीनों पहले ही इंडिया ने जो है एक सैटेलाइट को जो रिवॉल्व कर रही थी, हमारे अराउंड इंडियन सैटेलाइट, उसको जो है एक मिसाइल की मदद से जो है यहाँ पर स्पेस में डिस्ट्रॉय किया। तो ये एक टेक्नोलॉजी थी, एंटी सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। ये बताता है कि इंडिया इसको करने में कैपेबल है ना? तो यही सब जो है उस समय चल रहा था यूएस और रशिया के बीच में, यूएसएसआर के बीच में। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन आप देख सकते हैं, ये पूरी जर्नी है ना? जैसा कि स्टार्ट हुआ था 1957 में स्पूतनिक 1 भेजा, इसके बाद में फिर ये चलता रहा। 1958 में एक्सप्लोरर भेजा गया, अप्रैल 1961 में
फिर इसके बाद 1962 में 61 में यूरी गैगरिन जो थे उन्हें भेजा गया, और ये पूरी जो स्पेस रेस है इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कहाँ पर क्या हुआ। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में मैं बात करूंगा, लेकिन ये एक आइडिया देगा पूरा स्पेस एक्सप्लोरेशन 1950 टू 1990 के बीच में, है ना। ये बताएगा आपको कि क्या क्या घटनाएं उस दौरान हुई। तो देखिए 1957 बताया है जैसा मैंने पहले भी चर्चा की थी, फिर 1958 में एक्सप्लोरर आया, स्पूतनिक जो था वो एक सैटेलाइट था। फिर उसके बाद 1961 यूरी गैगरिन सबसे पहले गए स्पेस में ट्रैवलिंग। फिर मई 1961 में जो है एक क्रैम कैप्सूल में जो है अमेरिकन एस्ट्रोनॉट गए, यूरी गैगरिन को फॉलो किया उन्होंने। देखिए अप्रैल में रशिया ने भेजा और 19 मई में जो है अमेरिका ने भेज दिया। तो ये स्पेस रेस बैक टू बैक चलती रही, है ना। बहुत टफ कंपटीशन थी दोनों ही कंट्रीज के बीच में। आप देख सकते हैं 1962, फिर वेलेंटिना टेरेश्कोवा 1963 में जो थी फर्स्ट वुमेन इन स्पेस हुई। उसके बाद में ये सब तेजी से चलता रहा घटनाक्रम। और उसके बाद में जो है अपोलो 11 एक्सपीडिशन भी आया, और फिर ये स्पेस रेस और आगे बढ़ती चलेगी। फिर आपको पता है कि और भी मार्स पे भी बाद में भेजे गए, लेकिन बेसिकली 1975 1980 तक जो है ये चलता रहा, उसके बाद में ये बंद हो गया, ठीक है ना। तो इसके बारे में ये और इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, वैसे आप नेट पर भी और देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं इसको डिटेल में कुछ जो लैंडमार्क्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो देखिए जो फर्स्ट सोवियत यूनियन ने जो स्पूतनिक वन लॉन्च किया था वह सैटेलाइट था, पहला सैटेलाइट जो कि लॉन्च किया गया ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा, है ना। तो ये जो था ये पहला सैटेलाइट था जो ह्यूमन बीइंग्स ने लॉन्च किया था, ठीक है ना। तो दिस वॉज समथिंग इनक्रेडिबल, है ना। आपको मैं न्यूज हेडिंग्स भी दिखाता हूँ उस समय की। तो रशियन लॉन्च फर्स्ट आर्टिफिशियल मून, मून इसलिए बोला गया क्योंकि मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट, बट दिस इज फर्स्ट आर्टिफिशियल मून, दैट इज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इट वॉज लॉन्च। देन कम्स द लिविंग क्रिएचर। देखिए आपने सैटेलाइट्स तो लॉन्च कर दिए, लेकिन अब बात आई कि लिविंग क्रिएचर्स को हम भेज सकते हैं क्या। तो एक डॉग था लाइका, लाइका नाम की डॉग जो थी स्पूतनिक 2। स्पूतनिक वन तो आपको पता है वो भेजा गया था पहले, उसके बाद में जो है स्पूतनिक 2 में इन्होंने एक डॉग को भेजा, है ना। और जो है बाद में जो है ऑक्सीजन सप्लाई कम होने के कारण जो है वो मर गए। सो दिस वॉज वन फर्स्ट लिविंग क्रिएचर इन स्पेस। ओके ऑफकोर्स इट वॉज सेंड बाय यूएसएसआर। इसके बाद में यूरी गैगरिन जो थे फर्स्ट मैन इन स्पेस, आप देखिए टाइम की मैगजीन के कवर पेज पर उनका फोटो आया था। सो फर्स्ट मैन इन स्पेस वॉज यूरी गैगरिन। एंड मैन इंटर्स इन स्पेस, दिस वॉज दी कटिंग पेपर कटिंग यू कैन सी देयर। फिर उनका स्पेस स्टेटमेंट भी बताया, आई कैन सी एवरीथिंग सेज फर्स्ट स्पेसमैन। ही वॉज सेइंग दैट ही सेड दैट ही कुड सी एवरीथिंग देयर। देन कम्स फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, फर्स्ट मैन इन स्पेस यूएसएसआर, और उसके बाद में जो है फर्स्ट वुमेन इन स्पेस वेलेंटिना टेरेश्कोवा। वेलेंटिना टेरेश्कोवा जो थे उन्हें सबसे पहले यूएसएसआर ने भेजा। फर्स्ट वुमेन इन स्पेस वोस्टोक 6 नाम की स्पेसशिप थी जिससे उन्हें भेजा गया। फिर इसके बाद में उन्होंने देखिए उनका स्टेटमेंट भी एक बताया गया है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, वंस यू हैव बीन इन स्पेस यू अप्रिशिएट हाउ स्मॉल एंड फ्रेजाइल दिस अर्थ इज। तो वहां से आपको पता चलता है कि अर्थ की कीमत क्या है, ठीक है। तो ये और न्यूज कटिंग भी है फर्स्ट वुमेन इन स्पेस। इसके बाद आई बात अपोलो 11 एक्सपीडिशन, है ना। तो ये जो था पहला जो मिशन था, ऐसा मिशन था जिससे कि लोग चाहते थे, यूएस चाहता था कि हम जो है मून पर पहुंच जाएं। और ये था अपोलो 11 एक्सपीडिशन, ठीक है। तो ये अपोलो 11 एक्सपीडिशन लॉन्च हुआ, और ये देखिए उसकी कुछ जीआईएफ्स भी मैं शेयर कर रहा हूँ, दिस इज हाउ दे लॉन्च इट। अपोलो 11 एक्सपीडिशन, राइट। एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट देन अपोलो 11। दिस इज अपोलो 11। अब इसके बाद में
ये इस तरह से वो लैंड करता है, ये लैंडिंग GIF है अपोलो 11 एक्सपीडिशन का मून पर। दिस इज हाउ दे लैंडेड ऑन मून। ओके, अब क्या हुआ कि जब वो लैंड कर रहे, देखिए एक और GIF है जो लैंडिंग ऑन मून को बता रहा है यहां पर, है ना, दिस इज हाउ दे लैंडेड ऑन मून। एंड हु वर देयर, देयर वर क्रू, प्राइम क्रू वाज, यू नो दैट, थ्री एस्ट्रोनॉट्स वर देयर। ओके, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एडिल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। ओके, माइकल कॉलिंस का नाम ज्यादा लोग जानते नहीं है, क्यों? क्योंकि ये दोनों जो थे ये मून पर गए थे, लेकिन माइकल कॉलिंस जो थे वो स्पेसक्राफ्ट में ही थे, वो बाहर नहीं निकले थे, है ना। नाउ व्हाई डू पीपल परसिस्ट इन डिनाइंग द मून लैंडिंग्स? ऐसा क्यों माना जाता है कि लोग जो है वो नहीं मानते हैं कि मून पे लैंड किया था अपोलो 11 ने, है ना। तो इसके कुछ कुछ जो है बड़े ही स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, और उसके उसको एक्सप्लेन भी किया गया है। तो मैं आज जो बात करने वाला हूँ, एक्चुअली ये तो मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था टॉपिक का, लेकिन आज जो बात अपन करने वाले हैं मेनली वो ये है कि अपोलो 11 एक्सपीडिशन जो है वह एक सच्चाई नहीं थी, इसका क्या कारण था, है ना। ऐसा इस पे क्वेश्चंस लगेगा जब जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की गई और उसको एनालाइज किया गया, तो एनालिसिस के बाद में जो कुछ लोगों ने इस पर क्वेश्चन उठाया और उसके क्या आंसर्स थे वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो देखिए ये एक फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है, और इस फोटोग्राफ से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी सच्चाई है इसमें, है ना। ये एक्चुअली नो डाउट कि इसको जो है बनाया गया है इस फोटोग्राफ को, और इसमें एक्चुअली ये बताया गया है कि क्या इस तरह से शूटिंग हुई थी, क्या इसको शूट किया गया था। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है अपोलो 11 के बारे में पूछा जाता है कि क्या वो शूट तो नहीं किया गया था कहीं हॉलीवुड मूवीज जैसा। तो देखिए सबसे बड़ा जो प्रश्न हमेशा उठता है वो इस फोटोग्राफ से उठता है, और ये फोटोग्राफ अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है अपोलो 11 की जो है सच्चाई पर। ना क्यों है ये, मैं आपको आपके साथ में डिस्कस करूंगा अभी कि क्यों ऐसा बोला जाता है कि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। देखिए, दिस इमेज ऑफ बज एल्ड्रिन सैल्यूटिंग द यूएस फ्लैग ऑन द मून इन 1969 इज ऑफन यूज बाय मून लैंडिंग डिनायर्स एज एविडेंस दैट द लैंडिंग वॉज फिल्म्ड ऑन अर्थ। क्यों ऐसा कहते हैं? बिकॉज द फ्लैग अपियर्स टू बी वेविंग इन द ब्रिज एंड वी ऑल नो देर इज नो ब्रिज ऑन द मून। तो आप देखिए जरा झंडे को, आप देख सकते हैं कि जो झंडा है ये क्या कर रहा है, ये लहरा रहा है ना। और ये अगर झंडा लहरा रहा है, इस फोटो में भी आप देख सकते हैं झंडा लहरा रहा है, इस फोटो में भी आप देख सकते हैं झंडा लहरा रहा है, और झंडा कैसे लहरा सकता है जब वहां पर हवा ही नहीं है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था, है ना। ये बड़ा प्रश्न पूछा गया, तो ये प्रश्न पूछा गया जिन्होंने इस पर शक किया, जिन्होंने इस पे क्वेश्चंस किए, और इसका आंसर भी बिलीवर जो थे उन्होंने इसका आंसर भी दिया। बिलीवर क्या कहते हैं? द फ्लैग डिड नॉट नीड विंड टू मूव। अच्छा, उनका कहना है कि फ्लैग को मूव करने के लिए विंड की जरूरत ही नहीं है, एंड डज नॉट मूव इन एनी ऑफ द वीडियोस अनलेस टच्ड, है ना। वो किसी इस पे मूव भी नहीं करता है जब तक उसको टच ना किया जाए। व्हेन इट इज सेट इन मोशन द लैक ऑफ एटमोस्फियर एंड हेंस एयर रेजिस्टेंस मीन द फ्लैग टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू सेटल। अच्छा, इसका मतलब ये है, उनका कहना है कि भाई एक्चुअली वहां पर एटमोस्फियर तो है नहीं, और आपने जैसे ही उसे लगाया तो अब जो रेजिस्टेंस है एयर का वहां पर मौजूद नहीं है, तो झंडा जितनी तेजी से यहां पर हवा में रुक भी जाता है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है, वैसा वहां नहीं होगा, और इसलिए वह लंबे समय तक जो है क्या करता है, फ्लटर करता है, या कहें कि मोशन में रहता है ना। ये इसका आंसर है जो कि बिलीवर्स देते हैं, जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया। ये फोटो अपने आप में एक और क्वेश्चन मार्क लगाता है। अब आप देखिए वहां पर पूछा गया प्रश्न कि लाइट सोर्स क्या था, तो उन्होंने कहा कि लाइट सोर्स तो भाई वहां पर सन था, है ना। हमारे पास में हेलोजन होंगे पर वो इतने बड़े नहीं होंगे, तो सन वॉज द लाइट सोर्स। अब अच्छा देखिए, एक ही लाइट सोर्स से अगर लाइट आ रही है तो फिर ये जो इमेजेस है ना, ये इमेजेस पैरेलल होना चाहिए। आप देखिए क्या ये इमेजेस पैरेलल है? सच कहूं तो अगर आप इसको एक्सटेंड करते जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये इंटरसेक्ट करेंगी। अब प्रश्न ये आया कि भाई जब एक ही लाइट सोर्स था तो ऐसा कैसे हो गया कि ये पैरेलल शेडोज नहीं बन रही है ना। शेडोज कास्ट बाय ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस
point in different directions, which proves there were several light sources as in a TV studio, है ना? मतलब क्या shooting कर ली गई थी? Believer कहते हैं a low sun and uneven surface can distort the angles of shadows in images, है ना? उनका कहना था कि जो low sun है ना, sun जो है उसके कारण और uneven surface के कारण जो है ये जो है distort हो सकती है. And if there are multiple light sources, why does each object only cast one shadow? उनका कहना था कि अगर multiple light sources होते तो फिर एक ही shadow क्यों बनती, ज़्यादा shadow ना बन जाती? तो ये इसका answer उन्होंने दिया है, है ना? ये एक और प्रश्न है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग. ये जो है, ये आपने सुना होगा कि पहला व्यक्ति जिसने चांद पर कदम रखा था वो कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था, है ना? और दूसरा कदम जिसने रखा था वो कौन था? डेफिनेटली नील आर्मस्ट्रांग था, ठीक है. पर आपसे प्रश्न यहां पर ये है कि ये जो फोटोग्राफ है इसमें ये पूछते, देखिए ये फोटोग्राफ है नील आर्मस्ट्रांग का, है ना? नील आर्मस्ट्रांग का फोटो है जब वो उतर रहे हैं, है ना? व्हेन ही इज कमिंग आउट ऑफ हिज स्पेसक्राफ्ट. नाउ द क्वेश्चन इज, अगर ये फोटोग्राफ लिया गया है इसका मतलब कि पहले से ही कोई वहां पर था, है ना, मून की सरफेस पे, तो क्या नील आर्मस्ट्रांग पहला व्यक्ति हुआ जिसने कदम रखा था या कोई और था? एक्चुअली ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन है. एक्चुअली इसका आंसर जो है यहां दिया गया, बिलीवर्स जो है उन्होंने कहा कि फुटेज ऑफ नील आर्मस्ट्रांग स्मॉल स्टेप वॉज शॉट बाय अ कैमरा माउंटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द ईगल लैंडर. मतलब उनका कहना था कि जो ईगल लैंडर था उसकी सरफेस पर एक कैमरा था जिससे वो फोटोग्राफ लिया है. पिक्चर्स ऑफ आर्मस्ट्रांग्स फर्स्ट स्टेप टेकन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मून आर एक्चुअली बज एल्ड्रिन डिसेंडिंग द लैडर स्नैप बाय आर्मस्ट्रांग. ओके, रिमोट कैमराज लेफ्ट ऑन द मून कुड इजिली रिकॉर्ड द डिपार्चर ऑफ लूनर मॉड्यूल्स. तो जो रिमोट कैमराज रखे थे उसने रिकॉर्ड किया था डिपार्चर को भी. और ये जो था ये एक्चुअली फोटो किसने लिया था? जो कैमरा माउंटेड था ईगल लैंडर पर उसने उसको लिया था. अगला क्वेश्चन देखिए, आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा इस वीडियो में. इफ द अपोलो एस्ट्रोनॉट्स हैड रियली ट्रेवल टू द मून, दे वुड हैव बीन कुक्ड बाय जायंट बेल्ट ऑफ लीथल स्पेस रेडिएशन. तो देखिए एक स्पेस रेडिएशन बेल्ट होता है और वहां पे बहुत ज्यादा हीट ट्रैप्ड हो जाती है ना, मैग्नेटिक रेडिएशन. सो मैग्नेटिक रेडिएशन, मैग्नेटिक फील्ड के कारण रेडिएशन ट्रैप्ड हो जाते हैं और उसका नाम है, उसे कहा जाता है कौन सा बेल्ट, कहते हैं वैन एलन बेल्ट. तो क्वेश्चन ये था कि वैन एलन बेल्ट जो है उस बेल्ट में जो है क्या हुआ होगा, रेडिएशंस जो ट्रैप्ड हुए होंगे उसके कारण जो ये एस्ट्रोनॉट्स हैं ये तो क्या हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा हीट अप हो जाना चाहिए. लेकिन देखिए इसका जो आंसर बताया है, दीज वैन एलन बेल्ट वेयर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रेट सोलर रेडिएशन वुड बी डेंजरस ओनली इफ पीपल लिंगर्ड देयर फॉर सेवरल डेज. इसका आंसर ये है, है ना? इनफैक्ट द एस्ट्रोनॉट्स विज थ्रू इन अ मैटर ऑफ आवर्स रिसीविंग अ रेडिएशन डोज नो ग्रेटर देन अ मेडिकल एक्सरे, है ना? ये इसका आंसर है, ठीक है. तो क्वेश्चन क्या था आपको समझ में आया, और इसका आंसर जो दिया गया, एक्सप्लेनेशन जो दिया गया वो ये था. फिर क्वेश्चन एक और आता है कि अ मून रॉक फोटोग्राफ ड्यूरिंग अपोलो 16 मिशन इज मार्क्ड विद लेटर सी, इट्स अ प्रॉप विच शोज द होल थिंग वॉज स्टेज्ड. अच्छा देखिए यहां एक फोटो ऐसा भी दिखाया गया था जिसमें रॉक पर सी लिखा हुआ था. अब जब ये रॉक पर सी लिखा हुआ था ना, तो ये क्वेश्चन है कि ये ऐसा कैसे हुआ, क्या था ये, कुछ प्रॉप तो नहीं बनाए गए थे. लेकिन इसका भी आंसर दिया गया, इसका आंसर उन्होंने ये दिया कि द सी डजेंट अपियर इन द ओरिजिनल नासा नेगेटिव्स और प्रिंट्स. वो ओरिजिनल इसमें नहीं हुआ है. अंडर क्लोज मैग्निफिकेशन इट लुक्स लाइक अ हेयर और फाइबर, है ना? तो हो सकता है कि डेवलपिंग के दौरान ऐसा हो गया हो, लेकिन वो नेगेटिव में कभी नहीं था, ठीक है. अगला आता है फुटप्रिंट. अब आप देखिए फोटो देखिए इस फुटप्रिंट का. जब आप फुटप्रिंट का फोटो देखेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये फुटप्रिंट कैसे आया होगा. बूट्स वुड ऑनली हैव लेफ्ट देयर इम्प्रिंट ऑन द लूनर सर्फेस इन मॉइस्ट मटेरियल. देखिए ऐसा फुटप्रिंट तो तभी बनना चाहिए जब मॉइस्ट मटेरियल हो. ट्राई लीविंग योर फुटप्रिंट ऑन अ ड्राई सैंडी बीच. आप ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, फुटप्रिंट्स आ जाएंगे. क्वेश्चन का आंसर क्या था, आंसर था पार्टिकल्स ऑफ मून डस्ट हैव अ डिफरेंट साइज एंड शेप फ्रॉम सैंड एंड डोंट नीड मॉइस्चर टू होल्ड अ कंप्रेस शेप, है ना? वो जो सैंड है वो, उसको मॉइस्चर की जरूरत नहीं है. मेनी पाउडर्स ऑन अर्थ कैन बिहेव इन द सेम वे.
ट्राई वॉकिंग इन स्प्लिट टेलकम पाउडर, है ना। इसका आंसर उन्होंने दिया कि टेलकम पाउडर पे अगर आप मूव करेंगे तो वैसे ही होगा, और मून की जो डस्ट है वह एक्चुअली इसी प्रकार की है। ठीक है, अब देखिए ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम जब देखते हैं स्काई को यहाँ से, स्पेस को यहाँ से, अर्थ से, तो हमें क्या दिखते हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स दिखते हैं, है ना। लेकिन प्रश्न ये उठता था कि वहां पर तो स्टार्स और छोटे हो गए, स्टार्स बड़े दिखना चाहिए थे। क्यों? क्योंकि वहां तो एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं है, तो वहां तो स्टार्स और बड़े होना चाहिए। अब इसका आंसर क्या था? ठीक है ना, तो इसका आंसर जो है ये दिया गया था कि द एस्ट्रोनॉट्स वर टेकिंग पिक्चर्स ऑफ ब्राइटली लिट शाइनी व्हाइट ऑब्जेक्ट्स। अंडर दोज कंडीशंस फोटोग्राफर्स शूट विद वास्ट एक्सपोजर टाइम एंड स्मॉल एपर्चर दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू कैप्चर फेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ डार्क बैकग्राउंड सच एज स्टार्स। मतलब उनका कहना था कि स्टार्स जो है वो दिख तो रहे थे, लेकिन वहां जब फोटोग्राफ लिए गए तो एक्चुअली आपको स्टार्स नहीं दिखाई दे पाए, है ना। अच्छा, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस थे जो कि रेज किए गए थे, है ना, और उसके आंसर्स भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए। मैं चाहूंगा कि आप YouTube पर इस लिंक को क्लिक कीजिएगा और इस लिंक को वॉच कीजिएगा आप, है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लिंक है, इसमें मिथ बस्टर्स की ये लिंक है, और इसको जब आप वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने जो क्वेश्चंस रेज किए गए थे उसके आंसर्स इस पर्टिकुलर वीडियो में दिए हैं। तो सर्च कीजिएगा इसे यूट्यूब पर, इसको जब आप देखेंगे तो आपको और भी मजा आएगा, क्योंकि जितनी भी बातें मैंने की हैं ये सारी बातें, सारे क्वेश्चंस जो रेज किए गए थे अपोलो 11 एक्सपीडिशन के, मिथ बस्टर्स ने उसको एक्सप्लेन किया है और उन्होंने प्रूव किया है कि एक्चुअली अपोलो 11 एक्सपीडिशन जो है वो हॉक्स नहीं था। फ्रेंड, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए हमारे चैनल फिजिक्स वॉयज को। मैं कोशिश करूंगा कि इन फ्यूचर और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय फिजिक्स।